सनातन परंपराओं ने ईश्वर और अल्लाह में फर्क नहीं किया, मंदिर में पूजा और मस्जिद की इबादत में फर्क नहीं समझाया। लेकिन 21वीं सदी की सियासत कुछ यूं रंग लाई है कि ईश्वर और अल्लाह का फर्क समाज को दो भागों में बांटने लगा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के पार्क में नमाज पढ़ने को लेकर मचा विवाद अब सियासी रंग पकड़ चुका है। नमाज अब खुदा की इबादत से ज्यादा जिद की जद्दोजहद में तब्दील हो गई है। हम नहीं पढ़वा रहे हैं, पब्लिक पढ़ रही है, कुछ कोई ना कुछ नहीं। कैसे आपको किसी ने परमिशन दी होगी? परमिशन दिखाओ आप। थाने में क्या परमिशन है कि नमाज पढ़ाए? शुक्रवार के शुक्रवार पढ़वाते हो या रोज पढ़वाते हो? स्थानीय लोगों की जिद की पार्क में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। नमाजियों की चाहत है कि उन्हें पार्क में इबादत से रोका न जाए और प्रशासन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। डीएम साहब फरमा रहे हैं कि पुलिस ने जो किया नियमों के तहत किया। उस इंसिडेंट के तहत ही केवल आप इसको समझे और पढ़ें और देखें तो कंसर्न ऑफिसर ने एप्रोप्रिएट एक्शन लिया है। परमिशन जब डिनायल है तो ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी, परमिशन अगर दी गई होती तो ऐसी गतिविधियां होती। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कुछ महीनों पहले कांवड़ यात्रा पर जगह जगह फूल बरसाए गए थे। जगह जगह पुलिस और प्रशासन के आला अफसर कांवड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया था। अब नोएडा के पार्क में नमाज पर पाबंदी के बाद मुस्लिम समुदाय के नेता प्रशासन को ये पुष्प वर्षा याद दिला रहे हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कांवड़ियों के लिए फूल बरसाए थे, लेकिन हफ्ते में एक बार पढ़ी जाने वाली नमाज का मतलब शांति और सद्भाव बिगड़ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप मुसलमानों से कह रहे हो कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन गलती तो आपकी ही होगी। असदुद्दीन ओवैसी मजहब को लेकर कोई टिप्पणी करें और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुप हो जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। ओवैसी के जवाब में गिरिराज की जुबानी तोप से गोले चले। ओवैसी जैसे लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कानून आ जाए तो उसे धर्म से जोड़ते हैं। कमरिया को कि अगर जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है? भारत में कमरिया नहीं जाएगा तो क्या कहां जाएगा? उनकी चलने पे नहीं, वो कह रहे हैं उन पे फूल बरसाए जाते हैं, हमारे उन पर फूल बरसाए जाते हैं और लाठी बरसाए जाते हैं, और भारत में नहीं बरसेगा तो कहां बरसेगा? गिरिराज किस किस का मुंह बंद कर पाएंगे? नहीं, अतीत में कभी इस तरह के किसी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंध नहीं रखे थे। यद्यपि सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन प्रेयर के लिए छूट रही है। हम होली की गैदरिंग करते हैं, हम कांवड़ियों की गैदरिंग करते हैं, सिख भाइयों की संगत होती है, तो ये अगर खाली मुस्लिम्स के लिए है तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता। खुद योगी सरकार के बागी मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी एक तरफ कांवड़ियों पर फूलों की बारिश तो दूसरी तरफ पार्क में नमाज पर पाबंदी को लेकर सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में कांवड़िया लेके चलते हैं तो यही पुलिस वाले फूल बरसाते हैं, और जब दूसरा धर्म के लोग जो अगर उस काम को करते हैं तो वो बुरा लगता है, तो उनको भी वो नमाज पढ़ रहे हैं, कोई वहाँ दंगा फसाद करने की नीयत से नहीं जा रहे हैं, वो भी पूजा पाठ का एक अंग है। उधर यूपी सरकार इस मामले पर भी सबका साथ सबका विकास का राग दोहरा रही है। सरकार का कहना है कि उसकी नजरों में सभी धर्म समान है, लेकिन इबादत के लिए कंडीशन अप्लाई भी है। सरकार सबका साथ सबका विकास और सभी धर्म का सम्मान करती है, आदर करती है, और सभी को कानून के दायरे के अंदर अपना जो धर्म है उसका पालन करना, जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो उतना ध्यान रखना। सरकार और प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं,
और चुनाव आते आते, क्योंकि चुनाव में कोई काम तो है बता नहीं पाएंगे, तो आखिरकार यही तो काम करेंगे कि आप नमाज मत पढ़िए, आप धर्म में ये करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं, कहते हैं कि अगर नवरात्र का व्रत रखना है तो बूंदी का लड्डू खा लो। यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन नियमों का हवाला देकर पार्क में नमाज को गैर कानूनी बताने में लगा है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे इबादत के हक के तौर पर देख रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले ऐसे मुद्दे यूं की सियासत को खाद पानी देते हैं, लिहाजा सियासत गर्म है और कोई इस पर पानी डालना भी नहीं चाहता। नाम क्या बाबा जी आपका? हाँ जी, क्यों बना रहे हो भैया, क्या हो गया? दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।